मामला गोवर्धन परगना मार्ग के अंतर्गत अन्योर गांव के अंतर्गत गीता आश्रम के सामने का है, जहां ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर आक्रोशित ई रिक्शा चालकों ने परगना मार्ग में जाम लगाकर परगना मार्ग को बाधित कर दिया, जिसके चलते बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाकर परगना मार्ग को सुचारू रूप से शुरू करवा दिया। वहीं क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने आक्रोशित भीड़ से बात करते हुए कहा कि ये कानून व्यवस्था आप लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए बनाई गई है, इसमें प्रशासन का सहयोग करें, इस प्रकार की कोई भी हरकत ना करें जिससे प्रशासन को अपना कड़ा रुख अपना कर वहीं वोटों की राजनीति करने पहुंचे सफेद पोश नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए चापलूसी करते हुए भी नजर आई। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से अगर किसी को परेशानी है तो वह शिकायत को लेकर SDM गोवर्धन, क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन एवं जिलाधिकारी मथुरा के समक्ष पहुंचकर अपनी परेशानी को रखे। मैं पूछ रहा हूँ, पहले इंतजार आप बात कर लीजिए, आप बोल रही है मदीना पीछे बोलिए मदीना, पहले मैं बताएं किस बात को लेकर के आप इस तरीके से। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आन्योर गांव एक बहुत बड़ा गांव है और इन्होंने 38 ई रिक्शे पास किए हैं, तो बाकी के ई रिक्शे क्या करेंगे, इन पे अनाज राशन पानी कहाँ से आएगा बताओ। ये कह रहे हैं कि 6-6 महीने चलाएंगे, 6 महीने का राशन कौन देगा, प्रशासन देगा क्या है? 6 महीने क्या करेंगे, ये चोरी करेंगे तो आप कहीं डालेंगे, आपने ये ऐसे तैसे ये चोरी रोकी है, आपने ये बात अधिकारियों के बीच में रखी क्या, रख दी, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। 6-6 महीने चलाएंगे, 6-6 महीने चलाएंगे, ये 6 महीने का ये चोरी करेंगे क्या, दोबारा से चालू हो जाएगी चोरी ऐसे तैसे। तो इन्होंने ये ई रिक्शा चला के बेचारे अपने मजदूर पेट भर रहे हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। अभी आपने CO साहब से भी बात की, क्या कह रहे हैं कुछ बताया? 5,000 रुपए के चालान कर रहे हैं ये 5,000 रुपए कमा भी नहीं रहे हैं, कहाँ से लाएंगे 5,000 रुपए, आप ही बताओ। तो आपने CO साहब से बात करी है? ये कह रहा हूँ आन्योर एक बहुत बड़ा गाँव है, करीबन 300 रिक्शे पास होने चाहिए आन्योर आन्योर के लिए, जब तो कुछ काम चलेगा, और नहीं तो इतना बवाल हो जाएगा कि ध्यान रखना आने वाले समय में इतना बवाल हो जाएगा कि रोड पे जनता उतरवा दूंगा। मैं कह रहा हूँ ये मेरा नाम है पूरा तेलमा। हमने एक्सरसाइज करके व्यवस्था की है कि 30 किलोमीटर की परिक्रमा में किस गांव का जितना रास्ता लगा, जितनी दूरी है उसी हिसाब से रिक्शे बांट कर लगाए गए। फॉर एग्जाम्पल आन्योर 2 किलोमीटर 38 रिक्शे, राजस्थान 2 किलोमीटर 38 रिक्शे, और जतिपुरा 2-2.5 किलोमीटर 38 रिक्शे, शांकी 1 किलोमीटर 19 रिक्शे, राधाकुंड के 110 रिक्शे, जितनी दूरी जिसकी है शेष बचे 175 रिक्शे गोवर्धन के रहने वाले थे। और इस तरह से इसका वितरण किया गया है, एक ड्रेस कोड होगा, NGT के आदेश से 400 रिक्शे आवंटन किए गए थे, प्रशासन के मदद से हम लोगों ने SDM साहब ने RTO साहब ने वो 400 रिक्शे आमंत्रण किए हैं। आगे के रिक्शों के लिए आउटर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि 400 से ज़्यादा NGT के आदेश नहीं है। सर आउटर पर कोड वाली बातें आपके द्वारा कही गई, क्या कुछ कलर कोड होगा, जैसे इसका एक वाइट कलर का कोड है, उनका अलग कलर कोड है, येलो कलर कोड है, ग्रीन कलर कोड है, ब्लू कलर कोड है, वो अलग अलग व्यवस्था। तो उसकी चेंजिंग की भी आपको बता रहे थे कि कुछ चेंजिंग, 6 महीने बाद व्यवस्था देखेंगे क्या है, पहले कोशिश कर रहे हैं, सफल प्रयास कर रहे हैं ये करने के। तो अभी लोग ये लोग किस तरीके से आपके साथ में क्या कहा है, इनका कहना अपना है, हमारा कहना अपना है, हम नीतिगत बात करते हैं, ये अपने रिक्शे के साथ बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के ही रिक्शों का रजिस्ट्रेशन कर दिए गए, नहीं मैंने पहले आपको बताया जैसे कि किलोमीटर के हिसाब से हमने कराया, आधार कार्ड देख के कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये इसकी एक फाइल एक आदमी की तैयार की गई है, यू के द्वारा नंबर दिया।